हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रिशेप बाय मीतू। और गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऑफिस से इतना थक कर आते हैं कि इवनिंग में आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, या फिर हम घर में ही इतने बिजी होते हैं, इतने काम होते हैं कि हमारा काम को बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है। स्पेशली जब जब हम अपना डाइट फूड अलग से प्रिपेयर करते हो तो हमारे मन में आइडिया आता है कि हम मैगी बना लें या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, जैसे पिज्जा, बर्गर या कुछ भी हो सकता है बाहर का। गाइस, डिनर एक ऐसी चीज है, अगर आपने गड़बड़ कर ली तो आपका पूरे दिन का रूटीन है वो गड़बड़ हो जाता है, आपकी पूरे दिन की डाइट को वो खराब कर देता है। बहुत सारे लोग ये तो समझ जाते हैं कि उनको ब्रेकफास्ट में लंच में क्या खाना है, लेकिन वो डिनर के आते आते कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें डिनर में ऐसा क्या खाएं कि उनका वेट लॉस हो और उन्हें ज्यादा टाइम भी ना लगे उसे बनाने में, और जो उसमें चीजें यूज हो बहुत इजिली मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच पाते हैं जिससे कि उनका वेट लॉस हो पाए। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी ही बहुत ही अच्छी रेसिपी जिसे आप यूज करके अपनी डाइट में बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है, फ्रेश है, और इसमें जो भी चीजें यूज की गई हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती है और रीजनेबल रेट में मिलती हैं। तो ये बहुत ज्यादा फैंसी रेसिपी नहीं है, बहुत ही अच्छी है और हमारे वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव है। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ अपनी पनीर भुर्जी की, जिसे मैंने बहुत सारी ग्रीन वेजेस डाल के बनाया है, वो भी डाइट के हिसाब से। अब उसे कैसे बनाते हैं चलिए हम किचन में देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे बारीक कटा प्याज लिया है, बारीक कटा हमने बेल पेपर, बारीक कटा ही हमने यहाँ पे गाजर लिया है, कैप्सिकम लिया है, साथ में ब्रोकली ली है, बीन्स लिया है, टमाटो लिया है, और यहाँ पे हमने पनीर लिया है। अब इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक चम्मच बटर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें अपना प्याज डाल के सॉटे करेंगे गोल्डन होने तक। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन होगा हम उसमें कैरेट, ब्रोकली और बीन्स डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर में पकने वाली सब्जियां हैं तो इन्हें हम पहले पका लेंगे। इन सब्जियों को डाल के हल्का सा हम सॉल्ट डाल के थोड़ी देर पकाएंगे। जैसे ही थोड़ी सी पक जाएंगी उसके बाद हम अपनी तीनों तरीके की बेल पेपर इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें बेल पेपर डाल दिया है, कैप्सिकम डाल दिया है, और हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और लो मीडियम हीट पर टमाटर डाल के इसको पकने देंगे। हम इसे कवर करके पकाएंगे 5 मिनट तक, जिससे कि टमाटो पक जाएं और मिक्स हो जाएं हमारी वेजिटेबल्स के साथ में। अगर वो नहीं पकते हैं तो 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा टमाटो पक गया है कि नहीं और बाकी सब्जियाँ भी हमारी साथ में पक गई हैं कि नहीं। अब हमारी सब्जियां यहाँ पे पक गई हैं, अब हम इसमें पनीर डालेंगे मैश किया हुआ और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 सर्विंग बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 ग्राम पनीर लिया है। अब हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और साथ में हमने डाला है ऑरिगेनो, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस हमने और ज़्यादा मसालों का यूज़ इसमें नहीं किया है क्योंकि हम ये अपनी वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, और ऑर्गेनो को यूज़ इसमें ज़रूर करें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में ये फ्लेवर। अब हम इसको सर्व करेंगे और अपने डिनर के लिए इसे यूज़ करेंगे। ये परफेक्ट डिनर है हमारा, इससे बहुत ही इजीली और क्विक वेट लूज़ होता है। आप इसे लंच में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डिनर में लेंगे तो आपका वेट बहुत ही जल्दी जल्दी जाएगा, और ये इतनी खाने में टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, और 5 या 10 मिनट में मुश्किल से बनने वाली ये रेसिपी है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप कभी भी इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर।